तो गाइस हमने आज तक GTA 5 के जितने भी फैन मेड गेम्स खेले इनमें हर गेम एक दूसरे से एक अलग लेवल का था, लेकिन आज का गेम इन सबका बाप रहने वाला है। वैसे इस गेम में ऐसी क्या खास बात है कि ये बाकी गेम से काफी अलग लेवल का है, तो आइए बताता हूँ। मैक्सिमम गेम्स में आपको डिफरेंट लुक डालने वाली चीज ग्राफिक्स ही दिखती है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इस गेम के अंदर आपको वो सब चीजें देखने और प्ले करने के लिए मिल जाती है जो आपको बेहद पसंद है और जिसे आप हर फिल्मेड गेम के अंदर देखते हैं और खेलते हैं। लेकिन बाकी गेम के अंदर आपको जो डिफरेंट लुक डालने वाली ग्राफिक्स दिखती है वो इस गेम के अंदर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बुरी भी नहीं है। इस गेम का डेवलपर अपडेट टू अपडेट लाता रहता है, एक दिन ये GTA 5 बना ही देगा। इसके एग्जांपल के लिए आप जैसे ही गेम को स्टार्ट करोगे तो आपके सामने GTA 5 का रियलिस्टिक माउंटेन देखने के लिए मिल जाता है। मैक्सिमम गेम्स में आपको रियलिस्टिक ग्राफिक्स, कार्स, NPCs एंड मिशन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन इस बाइक की तो सबसे अलग ही सोच है। और गेम में आपको एक दो मिशन दिए जाते हैं जिसे आप प्ले करके एंजॉय कर सकते हो, और जहाँ पर आपकी सोच खत्म होती है वहाँ से इसकी सिटी शुरू हो जाती है। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर को चलाते चलाते तक जाएंगे, लेकिन इसकी सिटी खत्म नहीं होगी। और वही पुराने गेम्स की तरह आप यहाँ पर भी कॉरस्पॉन्डिंग इन्वेंट के ऑप्शन, जंपिंग एंड शूटिंग जैसे फीचर से एंजॉय ले सकते हो। गेम में आपको ट्रैफिक और NPCs दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं, और गेम का साइज 2GB रहने वाला है और गेम को आप 6GB रैम में इजिली प्ले कर पाओगे। अगर गेम को डाउनलोड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक को डाल दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।